गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है क्या? यस सर। चलो देखिए, कल आवाज वाली प्रॉब्लम थी, आज वो दूर हो गई है। हमने कल पढ़ा था पाइपलाइन परिवहन, दो प्रश्न पढ़े थे। एक तो प्रश्न है कि पाइपलाइन क्या है, दूसरा प्रश्न पढ़ा था कि पाइपलाइन के लाभ क्या क्या है या विशेषता बोल दो, तीसरा था इससे क्या हानि है। तो हानि में एक ही था कि कभी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होती है तो हमें क्या होता है, इससे नुकसान होता है क्योंकि हमें काफी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गई थी? आ गई थी ना? क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, आवाज की थी तो मैं सामने लिख भी रहा था। और प्रश्न नोट्स की आवश्यकता है नहीं भाई, आजाद सिंह है, मैं बोल रहा हूँ बेटा कि कल मैंने नोट्स यहीं पे लिख दिए थे, है ना। यानी प्रश्न आ गया 3 नंबर का कि पाइपलाइन के लाभ बताइए, तो मैंने लिख दिए थे यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन हमारे ये 3 हो गए। अब हम बात करते हैं कि साहब विश्व में कौन कौन सी पाइपलाइन है, विश्व में कौन कौन सी प्रमुख पाइपलाइनें हैं। तो पाइपलाइनों का उपयोग हमने पढ़ लिया था, दूध के लिए पाइपलाइन कहाँ, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। बेटा एक बार मेरे को डेनमार्क का और भी महत्व बताइए, डेनमार्क का महत्व किस क्षेत्र में था? डेयरी कृषि में भाई, डेयरी कृषि में था। और भी था क्या, पन्ने उलट रहे हो क्या? डेनमार्क का महत्व था आपके सहकारी कृषि में, याद आ गया होगा, याद आ गया क्या? डेनमार्क का हर एक व्यक्ति सहकारी संस्था का सदस्य है और सबसे ज्यादा प्राथमिकता और विकास का जो स्रोत है डेयरी सरकारी कृषि को मिला है। तो कहाँ मिला है साहब? डेनमार्क में मिला है, ठीक है। इसके अलावा पाइपलाइन सबसे ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है वो किस चीज की है? तेल यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इन दो चीजों की पाइपलाइन विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। देखो बेटा प्रॉब्लम ये है, प्रश्न कहीं से पढ़ सकता है और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो इस प्रकार से है कि उनमें कोई विशेष पॉइंट बना बना के तो आपके बुक में दिए हुए नहीं है। और हमें लाइनों से, बेटा ये जो ऑडियो ऑन है प्लीज बंद कीजिए, आशा से नहीं। देखिए ये जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें हमें एक एक लाइन को देखना पड़ेगा, वहां से क्या प्रश्न बनता है, एक एक लाइन को प्रश्न, एक एक लाइन से हमें प्रश्न उठाना है। जैसे आपकी बुक है वो मेरे सामने भी है कि रसोई गैस और एलपीजी के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में होती है, क्या पाइपलाइन का प्रयोग रसोई गैस एलपीजी के लिए होता है, पेट्रोलियम पदार्थों के लिए होता है, इसके अलावा प्राकृतिक गैस के लिए होता है। अब पेट्रोलियम पदार्थों के लिए जो होता है यह है प्रयोग कौन से एरिया के लिए होगा, तो उत्पादक क्षेत्र है उनको हम कहां तक पहुंचाएंगे, तेल शोधन शालाओं तक, जो उत्पाद है वो उत्पादक क्षेत्रों से कहां तक पहुंचाएंगे, तेल शोधन शालाओं तक,
और तेल शोधन शालाओं से हम उत्पाद को पहुंचाएंगे कहां तक? तेल शोधन शाला से उत्पाद को कहां तक पहुंचाएंगे बेटा? बाजार। कहने का मतलब हम उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे। किस तक पहुंचाएंगे? उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे। ये पेट्रोलियम का जो है वो पाइपलाइनों का उपयोग होता है, चाहे आप प्राकृतिक गैस है उसका भी यही है। बाजार, फिर बाजार से हम कहां तक पहुंच जाएगा? उपभोक्ता तक पहुंच जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं विश्व में कौन कौन सी पाइपलाइनें हैं जो प्रमुख हैं, तो बोर्ड में प्रश्न आया हुआ है, लिख लीजिएगा। प्रश्न है बिग इंच क्या है? बिग इंच क्या है? बिग इंच क्या है? प्रश्न दो तीन बार आया हुआ है और हम इसका आंसर है जिसने पढ़ा है समझा है वो दे देगा, और जिसने नहीं पढ़ा है वो बताएगा बिग इंच एक बड़ा पाइप है। खबर बोल रहे सर, साफ नहीं दिख रहा सर आवाज में। इंच भाई पाइप को नापने की इकाई होगी या दूरी को नापने की लंबाई को नापने की इकाई होगी। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे से खिलाफ। पाइपलाइन है, आप इस चीज को माइंड में बिठाना। बिग इंच क्या है? एक पाइपलाइन है। कहाँ की है साहब? यूएसए की है। कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। आपको पता है पाइपलाइन में भी किसका रोल है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। क्या बोला हो? किसका? याद करना, पाइपलाइन में भी किसका रोल है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो बिग इंच क्या है भाई? एक पाइपलाइन है जो क्या करती है, ध्यान रखना, एक बार मैं समझा रहा हूं उस चीज को। ये जो पाइपलाइन है, बिग इंच पाइपलाइन क्या करती है, ध्यान से समझना। ये है पाइपलाइन है आपके मेक्सिको की खाड़ी है, उसमें जो कुएं हैं तेल के, उन तेल के कुओं को कहां तक पहुंचाती है? ये तो आपकी मेक्सिको की खाड़ी, समझ में आ रहा है क्या? मेक्सिको की खाड़ी, एक मिनट, मेक्सिको की खाड़ी से ये तेल कुएं हैं, यहाँ का जो पेट्रोल है, ठीक है, एक मिनट आप फैन कर दो। मेक्सिको की खाड़ी जो है उसके तेल के कुएं हैं, उनको ये इधर है ना आपका, कौन सी पर्व श्रृंखला है भाई? अप्लेशियन। कौन सी है? अप्लेशियन पर्व श्रृंखला, ठीक है। अब मेक्सिको की खाड़ी है, इसके तेल के कुएं हैं, इसको ये कहाँ ले जाएगी? ये आपके अमेरिका का कौन सा पार्ट आ गया भाई? कौन सा पार्ट आ गया बेटा? ये वाला यूएसए का। अरे नॉर्थ ईस्ट नहीं आए क्या आप? जवाब दिया करो बेटा तुरंत। ये यूएसए का कौन सा पार्ट आ गया? बताओ। उत्तर पूर्वी। हाँ नहीं पता आपको है? मैं बोल रहा हूँ ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। उत्तर पूर्वी। हाँ तो ये मैं लिख चुका हूँ यहाँ, इसके बाद में जवाब नहीं आ रहा, लिखने के बाद में जवाब नहीं आ रहा। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, इस संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भागों के अंदर, उत्तर पूर्वी भागों के अंदर मेक्सिको के तेल कुएं हैं, वहां से पेट्रोलियम पदार्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भागों तक यह पहुंचाती है। कौन सी पाइपलाइन? बिग इंच। तो बताइए समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया बेटा? यस सर। क्या कि बिग इंच एक पाइपलाइन है जो कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। यह पाइपलाइन मेक्सिको की खाड़ी में जो तेल के उत्पादक क्षेत्र है वहां से पेट्रोलियम पदार्थ को अमेरिका के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भागों में पहुंचाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण पाइपलाइन है, विश्व की प्रथम और अमेरिका की सबसे मुख्य पाइपलाइन है, ठीक है ना। अब इसमें एक प्रश्न और दिया गया है पाइपलाइन से, अमेरिका से, कि अमेरिका के कुल परिवहन का
प्रश्न यही है कि अमेरिका के कुल प्रति टन किलोमीटर भार का कुल परिवहन में प्रति टन किलोमीटर जो भार है उसका 17% भाग किसके द्वारा, पाइपलाइनों के द्वारा, किसके द्वारा, पाइपलाइनों के द्वारा ले जाया जाता है। कितना भाई, अमेरिका का 17% भाग है वो पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है प्रति टन किलोमीटर का, प्रति टन किलोमीटर का जो भाग है वो कहाँ, यानी एक किलोमीटर में कितने टन, प्रति टन एक किलोमीटर में कितना जो टन है उसका जो भाग है उसका देखिए तो 17% भाग कौन ले जाता है भाई, पाइपलाइन ले जाती है। तो महत्व है ना, अमेरिका में कुल प्रति टन किलोमीटर भार का 17% भार है वो कौन ले जाता है, पाइपलाइन ले जाती है। तो बताइए समझ में आया गया, समझ में आया क्या? अरे यस या नो बोल दे करो जिससे आगे चलूं मैं। यस सर। आ गया ना? यस सर। 101% प्रश्न आने की संभावना बनती है ऐसा, तो लिख लीजिएगा बिगिंस क्या है, ठीक है। इसके बाद दूसरी पाइपलाइन देखो, वैसे आपके कोर्स में पाइपलाइन है वो विशिष्ट पाइपलाइन नहीं है, आरबीएससी कोर्स में जरूर पाइपलाइन थी, ठीक है। दो चार पाइपलाइनों के नाम बता दूं विश्व में, एक तो है टेप पाइपलाइन, टेप, टेप पाइपलाइन कहाँ की थी बेटा, यह है क्या करती है आपकी फारस की खाड़ी, देखिए भाई की फारस की खाड़ी, ये आपका स्वेज नहर वाला भाग आ गया, ये कौन सी खाड़ी भाई, जब तक मानचित्र समझ में नहीं आता मतलब ही नहीं है। फारस की खाड़ी से जो तेल है उसको यह कहां तक ले जाती है, इराक के सीडान तक ले जाती है, कौन सी पाइपलाइन है, टेप, इराक के सीडान तक ले जाएगी, कौन सी पाइपलाइन, टेप पाइपलाइन। आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि यूरोप में, रूस में, पश्चिमी एशिया में पाइपलाइनों का प्रयोग है वो तेल उत्पादक क्षेत्रों से परिशोधन शालाओं तक किया जाता है, ये बात मैंने आपको बता दी। आप बताओ पाइपलाइनों का सर्वाधिक प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तेल शोधन शालाओं तक, तेल उत्पादक क्षेत्रों से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि को पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका, पाइपलाइनों का, पाइपलाइन जाता है। और भाई एक श्रृंखला आप ध्यान रखना, आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि उत्पादक क्षेत्र से हम कहां तक ले जाएंगे, तेल शोधन शाला, शोधन शाला, और यहां से कहां ले जाएंगे, बाजार, और बाजार से कहां ले जाएंगे, बाजार से कहां ले जाएंगे, उपभोक्ता तक। एक श्रृंखला याद रखना पाइपलाइन की, ये पाइपलाइन की श्रृंखला है, सब जगह एक ही काम है, चाहे यूरोप देख लो चाहे एशिया देख लो, किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद को, जैसे आप पेट्रोल खरीदने जाते हो, आप डीजल खरीदने जाते हो, आप सीएनजी लेने जाते हो, आप एलपीजी लेने जाते हो, क्या यह आपको सीधा मिल जाएगा, क्या आपको पेट्रोलियम पदार्थ है, इस पेट्रोलियम पदार्थ से ही आपका डीजल बनेगा, इससे ही आपका पेट्रोल बनेगा, इससे आपका सीएनजी बनेगा, प्राकृतिक गैस बनेगा, इससे आपका एलपीजी बनेगा, इससे आपका केरोसिन बनेगा, ये सारे इससे ही बनते हैं, एक बार ये तेल जाएगा तेल शोधन शाला में और अलग अलग उत्पाद हमारे सामने आएंगे। तो बताओ समझ में आया क्या। इसके बाद एक पाइपलाइन आपके आई है, कौन सी, कामेकान, कौन सी पाइपलाइन आई है, कामेकान पाइपलाइन, ये और समझ लीजिए, कामेकान पाइपलाइन,
ठीक है, कामेगान पाइपलाइन बेटा ये यूरोपीय रूस है, और इधर आपका जो गोलगा नदी निकलती है ये जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप जिसको हम क्या बोलते हैं, वाल्दाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप बेटा बताना, देखिए कौन सा, सुनाओ ना आप मुझे, वोल्गा नदी कहां से निकलती है, तो वाल्दाई प्रायद्वीप से निकलती है। और वोल्गा नदी कहां गिरती है भाई, जल्दी से बताना वोल्गा कहां गिरती है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर में। वोल्गा की सहायक नदियां कौन सी है, कामा और अका, कामा और ओटा, ठीक है ना। तो ये वोल्गा जहाँ है, इस प्रायद्वीप से जो तेल के कुएं हैं, उन तेल के कुओं को पूर्वी यूरोप के देशों तक पहुंचाती है कौन सी पाइपलाइन, कामेकान पाइपलाइन। यहाँ के तेल के कुएं हैं उनको पूर्वी यूरोप के देशों तक पहुंचाती है कौन सी पाइपलाइन, कामेकान पाइपलाइन। एक पाइपलाइन आपकी दी हुई है कोर्स में, एक पाइपलाइन आपके कोर्स में दी हुई है जिसको हम तापी वोल्गा के नाम से, जिसको हम तापी योजना के नाम से जानते हैं। आवाज आ रही है बेटा, यस सर। ये पाइपलाइन है जिसको हम कौन सी योजना के नाम से जानते हैं, कौन सी पाइपलाइन के नाम से जानते हैं, तापी परियोजना, तापी परियोजना। बुक में आपके दिया हुआ भी है कि एशिया की सबसे प्रमुख पाइपलाइन है जो एशिया के तेल उत्पादक क्षेत्रों से बाजार क्षेत्रों तक जाने के लिए सबसे मुख्य पाइपलाइन जानी जाती है, इसको हम तापी परियोजना कहते हैं। यह गैसीय पाइपलाइन है, पाइपलाइन है। और ये गैसीय पाइपलाइन कहाँ से आरंभ होती है, तो ये गैसीय पाइपलाइन आरंभ होती है तुर्कमेनिस्तान से। कहाँ से आरंभ होती है भाई, तुर्कमेनिस्तान से। ये तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान से आरंभ होती है। शहर का नाम है मेरी, ठीक है। यहां से आरंभ होकर के ये पाइपलाइन कहाँ आती है, आपके ईरान में आएगी, ठीक है। ईरान के बाद में अफगानिस्तान में जाएगी, अफगानिस्तान में जाने के बाद ये पाकिस्तान में जाएगी, और पाकिस्तान में जाने के बाद ये भारत आएगी, ठीक है। कहाँ आएगी, ये आपके तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और कहाँ आएगी, भारत में। इस परियोजना का उद्घाटन है या आरंभ है जो है वो 3 दिसंबर 2015 को किया गया। कब किया गया भाई, 3 दिसंबर 2015 को किया गया, और 2019 तक इसके पूरी होने की संभावना, ठीक है। कहां तक आएगी ये, यह है फाजिल्का, फाजिल्का पंजाब तक तो आ गई। इसके बाद ये पाइपलाइन है कहां तक जाएगी, गुजरात के तापी तक जाएगी। पाइपलाइन मुख्य है तुर्कमेनिस्तान से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वाया पाकिस्तान होते हुए कहाँ आती है, अपने भारत में आएगी। और ये गैस की प्रमुख पाइपलाइन है, गैस की क्या है बेटा, प्रमुख पाइपलाइन है, जो अफगानिस्तान में कंधार होते हुए आएगी। अफगानिस्तान में कहाँ से आएगी, कंधार, और पाकिस्तान में, भाई अफगानिस्तान में जगह का नाम क्या है, कंधार, कंधार होती हुई आएगी। अफगानिस्तान की राजधानी बताइए बेटा मेरे को, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल, काबुल है। काबुल। और पाकिस्तान की, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ये पाकिस्तान में मुल्तान होते हुए आएगी, ठीक है, कंधार मुल्तान, ये मेरी शहर है, ठीक है। तो ये प्रमुख पाइपलाइन है कौन सी, तापी पाइपलाइन। आपकी बुक में, आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है, आपकी बुक जिसके पास है उसको पढ़ना, बुक में दिया हुआ है कि तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन ईरान, ईरान और चीन जारी है, ईरान और एक चीन जारी है,
एक पाइपलाइन है तो तुर्कमेनिस्तान से वाया पाकिस्तान होते हुए कहां पर आ रही है, भारत में आ रही है। कहां आ रही है, ईरान पाकिस्तान होते हुए कहां आ रही है, भारत में आ रही है। ईरान और पाकिस्तान होते हुए कहां आ रही है, भारत में आ रही है। और ये कहां तक आ गई, फाजिलका, फाजिलका से एक कहां तक जाएगी, अपने राजस्थान होते हुए तापी तक जाएगी। कहां तापी, कहां बेटा, गुजरात। तापी कहां है, गुजरात। गुजरात बताओ, समझ में आ गया क्या? आ गया। अब थोड़ी सी बात पाइपलाइन से जुड़ी हुई है तो हम भारत की भी कर लेते हैं, हालांकि भारत के बारे में पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है, लेकिन पांच मिनट के लिए हम भारत के बारे में बात करते हैं जिससे आपको पता लग जाए कि भारत में पाइपलाइन का क्या महत्व है। तो भारत में एक संस्था जो तेल उत्पादन और संशोधन कार्य सबके लिए एक संस्था स्थापित की गई, इसका नाम था ONGC। ONGC की स्थापना 1956 में हुई, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, इसकी स्थापना कब की गई बेटा, 1956 में की गई, भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार के अधीन है। इस ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड प्राकृतिक गैस जो आयोग है, इसके ही तत्वाधान में 1956 में एक संस्था और बनी, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। वर्तमान में, सॉरी 1959 में बनी, वर्तमान में भारत में यह संस्था तेल उत्पादक क्षेत्रों की खोज कर रही है और तेल उत्पादक क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या कर रहा है, उन तेल उत्पादक क्षेत्रों से तेल का खनन कर रहा है, इसके तत्वाधान में, इसके तत्वाधान में, अरे ONGC, ठीक है, एक तो खनन कर रहा है, एक पाइपलाइनों का, इसका पाइपलाइनों का निर्माण कर रहा है, कौन, OIL पाइपलाइनों का निर्माण कर रहा है, और क्या काम कर रहा है, ये निर्माण करने के बाद उनकी रखरखाव की जिम्मेदारी भी किसकी है, OIL की है। रखरखाव की जिम्मेदारी भी किसकी है, OIL की है। तो बताओ समझ में आया क्या, भारत में दो संस्थाएं इसके लिए काम कर रही है, एक तो OIL और एक ONGC, कौन सी, ONGC। और भारत में सबसे पहली पाइपलाइन ONGC ने बनाई, सॉरी OIL ने बनाई, वो कहाँ बनाई, असम के नाहर कटिया से बिहार के, ये तो असम का है, और बिहार के बरौनी तक, बिहार का बरौनी, यहां तक पहली पाइपलाइन बिछाई थी 1959 में, किसने, OIL ने। सबसे लंबी थी 1157 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन थी, 1157 किलोमीटर ये लंबी पाइपलाइन थी। और इस पाइपलाइन को आगे बरौनी से बढ़ाकर कहां तक ले जाया गया है भाई, कानपुर में, 1968 में इसको कहां तक बढ़ा दिया गया, कानपुर तक बढ़ा दिया गया, सबसे पहली पाइपलाइन थी भाई, समझ में आएगी बात, सबसे पहली पाइपलाइन कौन सी है, नाहर कटिया बरौनी पाइपलाइन। बताओ समझ में आएगी मेरी बात, आएगी बेटा, यस सर, ठीक है, इनको हम पूरा पढ़ेंगे, और भी कितनी पाइपलाइनें हैं हमारे भारत में, उन सब को पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है संचार, कोई भी आपका प्रश्न हो बेटा तो आप तुरंत पूछ लिया करो, प्रश्न को तुरंत पूछ लिया करो, ठीक है ना। मैं संचार की बात करूं,
तो संचार आपको समझाया हुआ है, बताइए क्या होता है संचार, क्या होता है अरे फटाक से जवाब दीजिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना। हाँ, एक व्यक्ति या समूह है, समूह और जोड़ना उसमें, एक व्यक्ति या समूह है से दूसरे व्यक्ति या समूह तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। यह भी हमने पढ़ लिया था, संचार के दो प्रकार के भाग है, एक तो व्यक्तिगत और एक दूर संचार। पढ़ लिया था ना बेटा हमने? अरे पढ़ लिया था ना, व्यक्तिगत और दूर संचार। आप तो इस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हो कि पहली बार आपने क्लास ली हो। अदिति जांगीर पढ़ा था बेटा ये? यस सर। और अच्छी तरह आपको उस समय तो समझ में आ गया था, लेकिन आपने रिपीट किया ही नहीं, और रिपीट नहीं करेंगे तो मतलब ही नहीं है। दीक्षा शर्मा बताइए, व्यक्तिगत संचार दीक्षा बताइए व्यक्तिगत संचार क्या होता है? नहीं पता। अंकित शर्मा, निशा, निशा कवर, अरे कितनी सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति यानी मैं और केवल एक स्टूडेंट को कोई बात कह रहा हूं तो वो व्यक्तिगत संचार का माध्यम हो गया। मैं आपके पूरे ग्रुप को पढ़ा रहा हूं या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं जो आपके ग्रुप के लिए है, वो क्या है? जनसंचार। दूर संचार भी कह सकते हैं, दूर क्षेत्रों में। मैं जनसंचार बोल देता हूं, यहां पे समूह की बात कर रहा हूं, जनसंचार, और ये व्यक्तिगत संचार, ठीक है ना? अब इंस्ट्रक्शन जो आपको मिलता है उस इंस्ट्रक्शन को आप मेरे तक पहुंच, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तो आप यस या नो किसी प्रकार का जवाब नहीं देते हो तो संचार का जो स्वरूप है वो अधूरा रह जाता है, क्योंकि संचार को हम दो भाग यानी एक तो क्या है भाई, संप्रेषण बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? संप्रेषण। एक तो प्रेषक होता है, ठीक है, प्रेषक, ठीक है, और एक कौन होता है भाई, भेजने वाला, और एक क्या है, प्राप्तकर्ता, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, प्राप्तकर्ता हो। अरे कोई भी आप सूचना देते हो पत्र के माध्यम से, एक तो फ्रॉम लिख दो, एक टू लिख दो, फ्रॉम और टू, किसको मिले और किसके द्वारा, तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता दो होते हैं। अब दोनों के बीच में संवाद नहीं होता है, जब पूर्ण वार्तालाप नहीं होता है, एक सवाल पूछता है दूसरा जवाब नहीं देता, तब तक संचार कंप्लीट नहीं होता है, होता है क्या? अरे संचार कंप्लीट होता है क्या बेटा? नहीं होता। हाँ, तो व्यक्ति का संचार मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। जन संचार, एक समूह है दूसरे समूह तक, या एक व्यक्ति किसी समूह तक सूचना का आदान प्रदान करेगा, उसे जनसंचार कहेंगे। माध्यम आपको पता होने चाहिए, जैसे इसके संचार माध्यम में व्यक्तिगत पत्र, दूसरी बार समझा रहा हूं, और कोई आपके पास किसी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, और ये बता रहा है कि रेस्पॉन्स, इसका मतलब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे बेटा। आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, अगस्त स्टार्ट हो गया है, अगस्त, और आपकी एग्जाम निश्चित समय पे होगी, किसी प्रकार से ये जो इस बार हुआ है वो कंडीशन
101% ऐसी कंडीशन नहीं आने वाली है। जो इस बार हुआ है वो कंडीशन नहीं आएगी, ये और ध्यान रखना। व्यक्तिगत पत्र आ गया, ठीक है, आपका टेलीफोन आ गया, इंटरनेट आ गया, ये आपके व्यक्तिगत संचार के माध्यम है। जनसंचार में अखबार आ गया, पत्र पत्रिकाएं आ गई, आपके रेडियो आ गया, आपके इंटरनेट इसमें भी आ गया, ठीक है, ये क्या है आपके टेलीविजन आ गया, ठीक है। अब माध्यमों की प्रकृति के आधार पे हम इसको, जैसे दिखने वाला है, जैसे अखबार देख सकते हैं, पत्र को देख सकते हैं, तो ये क्या है दृश्य हो गया, रेडियो को टेलीफोन को सुन सकते हैं तो ये क्या हो गया श्रव्य हो गया, श्रव्य, और इंटरनेट के माध्यम से हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं टीवी के माध्यम से, ये पत्र पत्रिका क्या है श्रव्य है, और ये क्या है टीवी इंटरनेट, ये क्या है भाई श्रव्य, श्रव्य दृश्य, दृश्य दृश्य दोनों, ठीक है दोनों। और इसमें आप एक और जोड़ लो, नुक्कड़ नाटक, ऐसा प्रश्न आ जाता है बेटा, नुक्कड़ नाटक देखे नहीं होंगे आपने, तो देखे क्या, अरे नुक्कड़ नाटक नहीं देखे क्या? नुक्कड़ नाटक क्या होता है? अरे गांव में या शहर के किसी पार्क या कोई ऐसा स्थान जो मंच है वहां पर पर्यावरण से, शिक्षा से या कोई भी जनजागरूकता अभियान के अंतर्गत जो लोग हैं वो आपको संदेश देने के लिए क्या करते हैं, नाटक का आयोजन करते हैं, वो है नुक्कड़ नाटक। ये श्रव्य दृश्य में आएगा, किसमें आएगा श्रव्य दृश्य में आएगा, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। अरे आपने गांव में सुना रामलीला देखी कि, रामलीला गांव के अंदर मंचन होता है, सुना होगा? यस सर। तो ये भी कौन yes, सा आपके नुक्कड़ नाटक में आएगा, श्रव्य और दृश्य दोनों है, दृश्य नहीं कह सकते आप, सुन भी तो रहे हो, अरे वो जो बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहे क्या आप लोग, ठीक है, तो वो क्या आएगा श्रव्य और दृश्य दोनों आएंगे। इतना समझ में आ गया क्या? प्रश्न लिख लीजिए, संचार क्या है प्रश्न आपका सोल्व भी होना चाहिए, क्योंकि आप बैठे हो, आप सारे ज्ञानी हो, सारे ज्ञानी जानते हो, ज्ञानी मतलब बहुत ज्यादा जो ज्ञान आप में कूट कूट के भरा है लेकिन बोलने में जोर आ रहा है। देखिए, संचार माध्यम को परिभाषित करते हुए, संचार को परिभाषित करते हुए संचार की प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण कीजिए, इसका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप क्या आता है कि संचार में नई क्रांति के लिए टेलीग्राफ और टेलीफोन, टेलीग्राफ जानते हो बेटा, टेलीग्राफ और टेलीफोन का सर्वाधिक विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। टेलीग्राफ और टेलीफोन का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, ठीक है। टेलीफोन तो आप जानते हो, टेलीग्राफ भी जानते हो क्या? जल्दी बोला करो, टाइम अपने पास में कम होता है। यस या नो?
नो सर नहीं no, सर बेटा पहले अंग्रेजी विषय में, अंग्रेजी विषय में आपके जैसे लेटर आते हैं, लेटर राइटिंग आती है ना, एप्लीकेशन आती है, उसी प्रकार आपके नोटिस आता है नोटिस, वैसे अंग्रेजी विषय में 8-10 नंबर का एक आता था टेलीग्राफ। क्या आता था? टेलीग्राफ आता था, जिसमें हमें लिखना पड़ता था। ठीक है, टेलीग्राफ क्या है? आपने फैक्स मशीन का नाम सुना है क्या? अरे जल्दी बोला करो, फैक्स मशीन का नाम नहीं सुना क्या? सर नाम तो सुना है। हाँ, फैक्स मशीन क्या होती है? जैसे आपने कोई हार्ड कॉपी है वो किसी, अब आजकल तो ईमेल हो गई सर, ईमेल तो हम फैक्स मशीन में नहीं जाते, लेकिन फैक्स मशीन के माध्यम से कोई भी कागज है वो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। टेलीफोन जैसी होती है लेकिन उसमें कागज लगा होता है, ठीक है, और हमें तुरंत ये जैसे दूसरे फैक्स मशीन में जाती है तो हमें पता लग जाता है, हमें एक स्लिप मिलती है कि आपका जो फैक्स है वो दूसरे मशीन को रिसीव हो गया है। अगला बंदा रिसीव का बटन दबाएगा तभी वो क्या होगा, रिसीव होगा। ऐसे ही सबसे पहले आपके डाकघर, डाकघर तो जानते हो, पोस्ट ऑफिस, ठीक है? यस सर। पोस्ट ऑफिस में पहले होती थी टेलीग्राफ मशीन, एक टेलीफोन भी पोस्ट ऑफिस में होता था, गांव के अंदर कोई टेलीफोन की सुविधा नहीं होती थी, जिसका फोन आता था वो आपके पोस्ट मास्टर या जो डाकिया जिसे बोलते हैं वो घर जाकर के बोल के आते थे। अब यहाँ पे बिना कोई सहायक क्रिया के, कोई सहायक क्रिया नहीं है, और शब्दों के लगते थे पैसे, सीमित शब्द उसमें लिखता था, अगले टेलीग्राफ मशीन में वो शब्द छप जाते थे, और इसको पढ़ने का तरीका, इसको पढ़ के सुनाने की जो कला है या जो ज्ञान है वो पोस्ट मास्टर को होता था। तो ये टेलीग्राफ है, कम शब्दों में सूचनाओं का आदान प्रदान करना, कोई सहायक क्रिया नहीं होती इसमें, ठीक है ना, बिल्कुल छोटी जब ये आपके एग्जाम में आया करता था पहले। तो टेलीग्राफ और टेलीफोन का सबसे पहले विकास है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, इसका एकाधिकार था, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ तो ये है टेलीफोन और टेलीग्राफ वगैरह है, टेलीग्राफ तो बंद ही हो गया, और टेलीफोन है, फिर आपके मोबाइल है, इंटरनेट है, या आपके सभी विकसित और विकासशील देशों में विकसित होने लगे जैसे जैसे विकास हुआ। फिर बाद में आपको पता है उपग्रह संचार प्रणाली आ गई जो वर्तमान में है, जिसके माध्यम से हम आपको जूम पे क्लास पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में क्या, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, उपग्रह संचार प्रणाली है, जिसके माध्यम से इंटरनेट माध्यम से हम क्या है, आपको या कोई भी व्यक्ति इंटरनेट माध्यम से पूरे विश्व के अंदर कहीं भी प्रत्यक्ष संवाद कर सकता है, प्रत्यक्ष संवाद, इसे ऑनलाइन बोल रहे हैं ना, तो प्रत्यक्ष हम क्या है, संवाद कर रहे हैं। ऐसे ही हम बात करें कि एक नाम आया है आपके ऑप्टिक तार, फाइबर ऑप्टिक तार क्या है बेटा, पूछ ले क्या है, तो टेलीफोन, टेलीफोन के तार है ना, टेलीफोन के तार, इनमें क्या होता है, अंदर तांबा लगा होता है, ऊपर क्या है आपके फाइबर कोटेड होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक तार, क्या बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक, ऑप्टिक तार, समझ में आया क्या? अरे यस या नो? यस यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि अब आपके संचार का रहा है टाइम अपने पास में हो गया कंप्लीट, ये संचार वाला जो बाकी रहा है वो कल करके पूरा लेसन करेंगे कल, ठीक है, तो पाइपलाइन तक के प्रश्न उत्तर करने आपको, ओके okay?